राजस्व एवं खाद्य औषधि विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यात्री बस से पनीर मावा और श्री कृष्णा स्वीट्स मिठाई जब्त की है। ग्वालियर से गुना पहुंची एसकेटी ट्रेवल्स की यात्री बस के लगेज कैबिन में खाद्य सामग्री को छुपा कर रखा गया था। सूचना मिलने पर तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा ने टीम के साथ छापेमारी की तो भारी मात्रा में खाद्य सामग्री बरामद की गई। गुना के व्यापारी अशोक जैन द्वारा पनीर मावा और मिल्क केक ग्वालियर से मंगवाया गया था। तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा ने खाद्य सामग्री को जब्त करते हुए जांच के लिए भोपाल स्थित लैबोरेटरी भेजा है। कल की रात को फूड डिपार्टमेंट, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक बस को चेक किया था। उसमें 5.5 किलो मावा निकला है। प्रथम दृष्टया जो मावा है उसकी क्वालिटी खराब है, तो इसको लेकिन जब्त किया गया एवं इसका सैंपल लैब भेजा गया। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद अन्य कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते हैं वैसे वैसे पनीर मावा घी जैसे खाद्य सामग्री की तस्करी भी तेज हो जाती है। दूषित मावा घी पनीर बेचकर व्यापारी लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत यदि खाद्य सामग्री दूषित पाई जाती है तो जुर्माना और सजा का प्रावधान है। कलेक्टर द्वारा गठित टास्क फोर्स टीम लगातार छापेमारी कर रही है। टाइम 8 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।